हिसार में राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने रामपुर महोत्सव में शिरकत की। इससे पहले लोनीवी के निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हताश होकर नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम फैलाकर माहौल खराब करवाया है। राज्य मंत्री ने कहा कि तीन तलाक, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और 35 जैसे मामलों के शांतिपूर्ण ढंग से निस्तारण पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था और उसे हर पहलू पर अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। इस पर विपक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम भाइयों में भ्रम फैलाया। राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने कभी भी धर्म जाति के आधार पर विकास कार्य नहीं किए। सरकार ने आवास, पेंशन, गैस कनेक्शन, छात्रवृत्ति, शौचालय का लाभ हर धर्म और जाति के पात्र व्यक्ति को दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यह कुछ पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है। इसका किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से कोई भी संबंध नहीं है। रामपुर यूपी से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। रामपुर में आए हैं तो क्या क्या कार्यक्रम है आपका? रामपुर महोत्सव का तो विशेष कार्यक्रम है ही है ना, लेकिन चूंकि मैं चुनाव प्रभारी रहा जी और सब लोगों से मेरा हृदय का प्रेम भी रहा और जिस प्रकार से इन्होंने उत्साह और उमंग और जज्बा और जोश के साथ मेरे साथ रहकर चुनाव लड़ाया था तो मेरी भी इच्छा थी, मेरे मन में था कि एक बार जो है रामपुर आ जाऊँ और मैं आकर बेहद प्रसन्न हूँ। सब लोगों की वही मिलकर जो चेहरे हमारे एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे से खुश हो रहे हैं, तो वो भी एक मकसद है। और आज जो रामपुर महोत्सव है ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं अपनी भागीदारी करूँगा। तो मंत्री जिस तरीके से सीए को लेके बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं ये कह सकता हूँ जो बहुत अच्छे काम कर रहा है उसके भी लोग विरोध में होते हैं। जैसे बहुत अच्छा काम करने वाला हो उसके भी लोग विरोध में होते हैं। जैसे अभी 19वीं सरकार बनी, उससे पहले 14वीं केंद्र में सरकार थी, हर काम अच्छे होते आए। हमारे गरीब लोगों को पक्के मकान, शौचालय, बिजली और सर्वे भवंतु सुखना, यानी हमारे ऋषियों ने यह भाव था कि सर्वे भवंतु सुखना, हर कोई सुखी हो। पहले मालदारी अपने बेटे का इलाज बड़े अस्पताल में करा सकता, अब गरीब भी करा रहा है और किसानों को 6000 रुपये साल की निधि भी मिलने लगी। ये सब धीरे धीरे कर योजना होने लगी। यानी पहले जो हमारी बेटी जो थी वो मैके से जब ससुराल जाती थी तो उसके मन में ये भाव होता था कि मैं ससुराल जा रही हूँ, और ससुराल जब पहुँचती थी तो सुबह को वो सोच को खेत में जाती थी तो उसका हृदय टूटता था कि मैं सोच को खेत में जाए। मोदी जी ने कहा कि नहीं बेटी, अब वो खेत पर सोच को नहीं जाएगी, वो शौचालय में हमारी बेटी जाएगी, तो इस तरह से उसकी भी चिंता करी। ये सब होते होते और अभी फिर 19 के बाद जो हमारी मुस्लिम बेटियों बहनों को जो एक समस्या थी तीन तलाक वाली, वो समस्या दूर हुई। और 370-35 जो जम्मू कश्मीर की एक विकट समस्या थी, वहाँ पर जो भागे नेता लोग, भागे जो उपद्रवी लोग, अब हमारे स्कूल के प्यारे बच्चों को कराते थे कि किसी तरह से जो है पत्थर मारो पत्थर मारो, जब उनकी जांच करवाई तो वो जो नेता थे उनके बच्चे स्वयं लंदन और अमेरिका में पढ़ते थे, बाहर पढ़ते थे, तो अब पत्थरबाजी भी खत्म हो गई। फिर अभी राम मंदिर का जो लोगों के मन में था जरूर कुछ होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक पूरे देश में कहीं पत्ता भी नहीं पड़ गया, सब काम आसानी से होने लगा। उन्होंने कहा जो विरोधी नेता थे उनके मन में ये आने लगा कि अब तो मुस्लिम ही इनकी तरफ चला गया, सब कौम इनकी तरफ जा रही है। तो जब ये नागरिकता संशोधन कानून बना तो उन्होंने किसी न किसी बात पर लेकर हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का दिया, जबकि एक उसमें असलियत यह है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग सताए गए हैं, परेशान हैं, वो जो लोग यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए नागरिकता दी जाए, केवल इतनी बात। और हमारे देश के मुस्लिम भाई को किसी का कोई अहित नहीं, सबका हित है। जब हम उनके मन में ये भाव होता, कोई फर्क की बात होती तो बताइए, जो आवास दिया है कोई भेदभाव किया है, शौचालय दिया है कोई भेदभाव किया है, बिजली दी है कोई भेदभाव किया है, किसान निधि दी है भेदभाव किया है, ऋण माफ किया है कोई भेदभाव किया है, किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं। आज इस सरकार में IAS IPS हमारे मुस्लिम बच्चे काफी आए, हर चीज में जब कोई भेदभाव नहीं लगा और सब अच्छा अच्छा होने लगा तो विरोधियों को हजम नहीं हुई और विरोधियों ने हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काया और भड़का करी, ये उन्होंने उपद्रव किया, ये अशांति फैलाई। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश और देश में इस कानून व्यवस्था को कह सकता हूँ हर जगह एकदम कंट्रोल कर लिया, और वो लोग भी यहाँ के जो हमारे स्थानीय मुस्लिम भाई, उन्होंने किसी ने भी उपद्रव नहीं किया। जो और लोग हैं जो यहाँ पर भेजे गए थे वो सब पहचान में आ गए और कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है
अब आप सबको मालूम है, तो उसमें किसी का भी कोई अहित नहीं है, सबका इस देश का हित है, और इस देश का हित है तो यहाँ के एक एक बच्चे का, एक एक व्यक्ति का हित है, और इसी हित होते होते ये भारत हमारा विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।